प्रशांत विल स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट. सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन प्लीज दीजिए आप, और उसके बाद मिला इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलूं. अपने बारे में कुछ आप बताइए. हाँ ठीक है, समथिंग एक बेसिक स्टार्ट से थोड़ा सा. राइट, एंड देन दिस विल बी हिंदी और इंग्लिश मिक्सचर, व्हाटएवर व्हाट्स कन्वीनिएंट फॉर यू. ओके Yes. Hi everyone, this is Prashant Gupta and we're here today to celebrate the birthday of the legend Kishore Kumar. Very grateful and honored to be speaking to you all. I'll tell you briefly about me. I'm an actor. I've been in Mumbai for a few years now. I came here from New York and I've done films like Nirja and Isak, Identity Card. Last year there was a film called Irada in which I played Bhagat Singh. आप लोगों ने ये फिल्में देखी होंगी या इनके बारे में सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि मुझे गाने का बड़ा शौक है. पिछले साल मैंने एक ट्रिब्यूट दिया था मोहम्मद रफ़ी साहब को, एक बहुत ही पुरानी बहुत ही मशहूर फिल्म बैजू बावरा का उनका एक गाना था, ओ दुनिया के रखवाले. और आज हम यहाँ पे किशोरदा के बारे में बातें करेंगे और उनका एक बड़ा ही खूबसूरत गाना जो मैं परसों उनके बर्थडे पर रिवील करूँगा जब उनका जन्मदिन है, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा. सुपर प्रशांत, वेलकम टू आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल. थैंक यू. यू नो, आपने कहा आप सिंगर है, एक्टर है, ये शुरुआत कैसे हुई? मतलब फिल्मों का एक जो चस्का जिसे कहते हैं, मतलब आपको कब से लगा, बचपन से कुछ ऐसा था क्या कि यू वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, या वैसे कुछ फिल्मों के साथ आप कनेक्ट कर पाते थे? बचपन में फिल्मों का एक्सपोजर बहुत अच्छा था, हालांकि मैं किसी फिल्म फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ. मेरी फैमिली जयपुर की है और मेरे फादर मेरे मदर 70s में ही अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, तो मेरी अपब्रिंगिंग मेरी परवरिश सारी न्यूयॉर्क की है. पर वहाँ पे हम लोग थिएटर और आर्ट्स और अपने कल्चर से बहुत जुड़े हुए रहते थे, और आज तक मतलब हम जितने भी पुराने लोग हैं जो 70s 80s और 90s में वहाँ चले गए, तो हमारा अपने कल्चर से संबंध बहुत गहरा रहा. और बहुत ज़्यादा फिल्मी गाने, हमारे जो भजन हैं या हमारी गज़लें हैं, पुराने गाने हैं, इन पर परफॉर्म करना, रामायण से जुड़े जितने भी स्टेज परफॉर्मेंसेज या थिएटर होता था, तो मैं आर्ट्स में बहुत जुड़ा हुआ रहा बचपन से. और आर्ट्स के साथ साथ फिल्मों का एक्सपोजर अच्छा रहा, चाहे पुरानी फिल्में हों या नई फिल्में हों उस वक्त की. तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो आर्टिस्ट, चाहे वो एक्टर हो या सिंगर हो या डांसर हो, वहीं से कहीं इनकलकेट होना शुरू हुआ. और तब भी ऐसा कुछ नहीं था कि बड़े होकर फिल्मों में काम करूँगा, लेकिन बड़े होते होते ये चस्का लग गया, जैसा आपने कहा कि भाई करेंगे तो फिल्में करेंगे. अपनी अभी बात की, आई मीन द सॉन्ग व्हिच यू आर अ पार्ट ऑफ द दिस थिंग, उसके पहले भी आपने एक गाना गाया वो दुनिया के रखवाले, ये किस तरह से शुरुआत हुई, ये कब आपको ज़हन में आया, यू वांटेड टू डू अ सॉन्ग लाइक दिस एंड देन यू स्टार्टेड ऑफ? एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज ये है कि कहीं ना कहीं मेरी बड़ी इच्छा होती है कि काश मैं 50 साल पहले पैदा हुआ होता. मुझे वो जो 1950s और 60s की फिल्में हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, एंड एज अ पर्सन आई आइडेंटिफाई लॉट विद एक्टर्स लाइक दिलीप कुमार, बलराज साहनी, राज कपूर, एंड यू नो बच्चन साहब, संजीव कुमार, नसीर साहब. आजकल की फिल्में भी बहुत अच्छी लगती हैं, आजकल के एक्टर्स भी बहुत ग्रेट हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. लेकिन कहीं ना कहीं एक डिज़ायर था कि शायद अगर मैं ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में होता तो मैं कैसा लगता, मैं कैसा परफॉर्म करता. और क्योंकि मैं मैंने जितना भी ये सब कुछ हासिल किया है, चाहे वो संगीत या पुरानी फिल्मों के प्रति जो प्रेम है, वो सारा मेरे फादर से हासिल किया है. तो बचपन से अपने फादर से सुनता आ रहा हूँ कि रफ़ी साहब के बारे में, तलत महमूद के बारे में, किशोर कुमार, लता जी, या जो उस ज़माने के एक्टर्स या कंपोज़र्स थे. तो मेरी बड़ी इच्छा है कि जो फिल्में मैं कर रहा हूँ एज एन एक्टर, क्योंकि प्राइमरीली आई एम एन एक्टर, और आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बता दूँ, दिखा दूँगा अल्टीमेटली कि मैं अपनी फिल्मों में प्लेबैक भी कर रहा हूँ. पर मेरा ये था कि जब तक कि वो चीज़ सामने नहीं आती लोगों के, मेरा जो पुराने गानों के प्रति जो प्रेम है, मैं लोगों को पेश करना शुरू करूं. आजकल डिजिटल मीडियम पे कवर्स का ज़माना है, अच्छे अच्छे सिंगर्स पुराने पुराने गानों को अपनी तरफ से ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं, और मैं वही गाने चुनूंगा जो शायद कोई अटैम्प्ट नहीं कर रहा हो, जो बड़े मुश्किल हों, जो इमोशनली और क्लासिकली मेरे फ्लेवर से, मेरे टेस्ट से बड़ा रेजोनेट करते हैं. वो दुनिया के रखवाले आसान गाना नहीं था, और जितनी तारीफें मुझे दुनिया भर में मिली, सबसे ज़्यादा तारीफ ये मिली कि बड़ी दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की, कि जिस गाने को गाना रफ़ी साहब के लिए भी मुश्किल था, तुमने वो गाना अटेम्प्ट किया और बखूबी किया. और उम्मीद है कि जो अगला गाना किशोर दा का है वो भी लोगों को पसंद आएगा. ये किशोर कुमार ही क्यों, मतलब ये गाने के लिए वो क्या क्या कहानी? ये और भी बड़ा रास है, क्योंकि मैं
अपने दर्शकों को बता दूं कि मैंने किशोर कुमार के बारे में सोचा नहीं था. बेशक ही इज अ लेजेंड एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन फिल्म पर्सनैलिटीज, म्यूजिक पर्सनैलिटीज टू एवर बी बॉर्न, पर हर आदमी का अपना एक पर्सनल टेस्ट होता है या एक लाइकिंग होती है. तो मैं अगर कहीं ना कहीं स्केल करूं तो मुझे मोहम्मद रफ़ी के बाद तलत महमूद, जगजीत सिंह, मेहदी हसन और फिर कहीं ना कहीं जाके हेमंत कुमार और किशोर कुमार के गाने मुझे पसंद आते हैं. तो मैंने जो गाना रफ़ी साहब के गाने के बारे में बाद में जो सोच रखा था वो गाना कुछ और था, जो मैं अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि आने वाले टाइम में मैं शायद उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा. पर 3-4 महीने पहले, अप्रैल में बेसिकली, हाँ आप अगस्त चल रहा है तो 4 महीने पहले, 4 महीने पहले लोगों को सुन के शायद मजाक लगे, हैरत हो या कुछ भी, पर किशोरदा मेरे सपनों में आए थे. और मेरे सपनों में उन्होंने ये नहीं कहा कि तू ये गाना गा या तुझे ज़िंदगी में ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, पर वो मुझसे बातें कर रहे थे मेरे सपनों में. और ये मैंने अपनी म्यूज़िक वीडियो में रिवील किया है कि वो कैसा हुआ, जो पूरा जो एक सिनेरियो मेरे सपने में आया. अब वही मेरे सपने में आ गए तो मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक दिस इज़ अ डिवाइन मैसेज, अ मैसेज फ्रॉम हिम, अ मैसेज फ्रॉम गॉड, सो वाई नॉट फॉलो द ट्रैक ऑफ किशोर कुमार. एंड आई स्टिल कुडन्ट थिंक ऑफ व्हिच सॉन्ग टू डू अंटिल वन फाइन डे इमोशनली इट स्टार्टेड हिटिंग मी दैट ऐसा कौन सा गाना हो सकता है कि जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, लोग जो थक चुके हैं ज़िंदगी से, जो हार रहे हैं, जो परेशान हैं, ऐसा कौन सा गाना है जो लोगों को वो प्रेरणा देता है. तो ये गाना जो फिर जो मैंने चुना, जो आप लोग अब देखेंगे, तो किशोरदा का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ. और शूट कहाँ पे किया आपने ये पूरा गाना? अब क्योंकि मौका ये पड़ा कि मैं न्यूयॉर्क जा रहा था छुट्टियों पे और मेरी कुछ मीटिंग्स थी वहाँ पे अमेरिका में, मैंने कहा क्यों ना न्यूयॉर्क में शूट करें. तो ये गाना न्यूयॉर्क में ही शूट किया है क्योंकि बम्बे होते तो बम्बे में शूट करते, किसी स्टूडियो में करते, लोकेशन पे करते. तो मैंने देखा इतना खूबसूरत गाना है और अगर न्यूयॉर्क का बैकड्रॉप मिल जाए तो वहीं शूट करते. और आई मीन यू नो प्रशांत, देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स, देयर आर लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स जो हिंदी सिनेमा का एक पार्ट बनते हैं, हिस्सा बनते हैं, बट बहुत कम होते हैं ऐसे यू नो जिनको एक्चुअल में वो जो बनना चाहते हैं, वो जो उनको जो करना है वो कर पाते हैं. तो इसमें आप खुद को किस तरह से देखते हैं? आई मीन ऑफ कोर्स यू हैव अचीव्ड अ लॉट इन सम रीसेंट इयर्स, यू नो, विद फिल्म्स, विद सॉन्ग्स, एंड यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन लिटिल वे. हाउ डू यू रिलेट टू दिस? आई थिंक आई रिलेट टू माई सॉन्ग. जो गाना है, जो लोग समझेंगे कि ये गाना मेरे दिल से क्यों निकला है, क्योंकि मैं अपने आप को अभी उस लेवल पे नहीं समझता कि मैंने वो हासिल कर लिया जो मुझे ज़िंदगी में हासिल करना है. मैं इतना ही कहूँगा, बेशक कि मैं जहाँ था उससे बहुत आगे आ गया हूँ, पर ये भी कहूँगा कि इस वक्त तक जहाँ पे होना चाहता था मैं वहाँ पे नहीं हूँ. और हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक की अपनी स्ट्रगल है लाइफ में. आई डू सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. अभी मेरी फीचर फिल्में कई आ रही हैं, मेरी शॉर्ट फिल्में आ रही हैं, मैं हॉलीवुड में भी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं गानों में काफ़ी आगे बढ़ के अब कदम रख रहा हूँ, मेरी पोइट्री आजकल डिजिटल मीडियम पे काफ़ी नज़र आ रही है, काफ़ी लोगों ने देखी होगी. तो आई जस्ट फील दैट ज़माना यह है कि आप स्ट्रेटेजाइज तो करें लेकिन आप उतना भी ना करें कि मतलब वक्त निकल गया. गाना या कविता, ये जो भी, ये जो कला है जो भगवान ने मुझे दी है, मेरे जहन में इच्छा थी कि जब मैं बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर स्टार बन जाऊंगा तो ये सारे जलवे लोगों तक पहुंचाना तब शुरू करूंगा. पर आई थिंक वक्त इतना निकल गया और फिल्में आ रही हैं, फिल्में हो रही हैं, पर आई जस्ट फेल्ट लाइक आई कांट वेट एनी मोर. आई थिंक पीपल शुड सी एवरी फैसेट ऑफ माई क्राफ्ट, माई आर्टिस्ट्री, माई पैशन. एंड फॉर्चुनेटली आई एम डूइंग इट वेल एंड आई जस्ट होप टू हैव द लव ऑफ द पीपल. आई थिंक टुडेज डिजिटल सिनेरियो अलाउज एक्सपोजर टू हैपन वेरी रैपिडली एंड अक्रॉस मल्टीपल मीडियम्स. So I hope people can say, wow, what an actor, wow, what a singer, wow, what a poet. I don't want to confine my art to one thing. So गानों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते? I mean, you want to act, you want to, any plans to direct or something like नहीं, that? गानों तक तो सीमित इसीलिए नहीं है क्योंकि गाना तो बहुत बाद में आया. मैं आज भी ये नहीं कहूँगा कि मैं सिंगर हूँ. मैं आज यही कहूँगा कि I'm an actor who happens to sing, who knows how to sing. I'm not even calling myself a great singer. And by all sincerity and frankness, I'm not even a trained singer. When you go on YouTube or my social media, आप मेरे गाने देखेंगे, शायद आपको बहुत अच्छा लगे और आपको लगेगा कि मैं ट्रेंड हूँ, लेकिन मैं ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं हूँ. आई एम अ पैशनेट सिंगर. एक्टिंग की फिर भी ट्रेनिंग ली है मैंने. हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्टिंग, सिंगिंग ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपने ट्रेनिंग ले ली तो ही आप ग्रेट बन सकते हैं. आपके अंदर से एक सीड होती है, एक जेन्यून गिफ्ट होती है गॉड की. बट आई एम एन एक्टर हु लाइक्स टू सिंग.
जहाँ तक डायरेक्शन का सवाल है तो आई थिंक डायरेक्शन इज़ दी ओनली थिंग जो शायद अटेम्प्ट करने की मेरे में हिम्मत बिल्कुल नहीं है. प्रोड्यूस करूँगा, सिंग, एक्ट, राइट, सब कुछ करूँगा मैं. आई डोंट थिंक आई कैन डायरेक्ट. और कोई ऐसी तलब नहीं है, कोई ऐसा जज्बा नहीं है कि मैं कभी कुछ डायरेक्ट करूँ. ओके प्रशांत, आपकी फिल्म इसक की मैं बात करूँ अगर, तो क्या आप मानते हैं वो एक टर्निंग पॉइंट था और हाउ दैट फिल्म हैपेंड टू यू? और उसके बाद क्योंकि आप बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर चुके थे, उसके बाद आपको आप काम आपने किया नहीं या उस तरह के रोल्स आए नहीं या फिल्म कमर्शियली, आई होप आई वांट यू टू टेक इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, क्या रहा, क्या वजह रही? यू आर नॉट देयर इन द बिजनेस. वजह यही रही कि चीज़ें मेरे तरफ बहुत स्लोली आई. मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे सही ऑफर नहीं मिले, मेरे पास चीज़ें आ रही थी बट आई डिडंट लाइक द पार्ट एंड आई रिजेक्टेड इट. द जेन्युइन स्टोरी इज दैट माई स्ट्रगल हैज़ बीन वेरी वेरी टफ. इसक वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ. और इसक भी क्यों मिली मुझे, मैं उस वक्त तक बम्बई में 3-4 साल हो गए थे, तो जो प्रोड्यूसर्स थे इसक के मैं उनको जान चुका था. और मैंने उनके मुँह से नहीं सुना था कि वो ऐसी फिल्म बनाने जा रहे हैं और प्रशांत ये फिल्म तुम करोगे कि नहीं करोगे. मुझे कानों कान खबर पड़ी कि ये लोग वो फिल्म बना रहे हैं. सोची मुझे जानते हुए भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसमें प्रशांत को कंसिडर किया जाए. वो तो मैं रोते रोते उनके ऑफिस पहुँचा कि आप ये फिल्म बना रहे हैं, इसमें मेरे लिए कोई रोल है कि नहीं, क्योंकि अब 3 साल निकल चुके हैं और अब कुछ काम नहीं मिला तो मुझे बम्बई छोड़ के वापस अमेरिका जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या करूँ इस शहर में, कुछ है ही नहीं वजह. तो अब मेरे चेहरे को देख के उनको ये नहीं लगा कि मैं विलन का रोल कर सकता हूँ. और उस वक्त तक हीरो प्रतीक कास्ट हो चुका था और कमर्शियली प्रतीक उस वक्त वायबल उस फिल्म के लिए था उनकी सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से. पर मैंने कहा नहीं, आप मुझे आप कास्ट कीजिए, आप जो भी चाहते हैं मैं करके दिखाऊंगा. आपको क्या चाहिए, मैं मोटा हो जाऊं, पतला हो जाऊं, मुँह छुगाऊं, बाल काटूं, क्या है क्या नहीं. तो आप खुद सोचिए कि एक न्यूयॉर्क का लड़का, उसके लिए यूपी का लहजा लाना, चेहरे पे एक किस्म की बहुत ही लिचड़ सी गंदी सी हरकत लेके आना, एक बहुत ही लस्टफुल, एक बहुत ही एनवियस और विलेनियस कैरेक्टर को प्ले करना, इट वॉज नॉट ईजी. बट I had to stay alive in Bombay, and fortunately, after 1 month of convincing them and proving to them, I got cast. Okay, क्या मानते हैं अभी भी बहुत potential as an actor जो अभी तक हुआ नहीं, और do you agree with this कि आपको commercial aspect से इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, passion है आपके लिए ये काम ये करना acting या you know? I agree and well I will tell my viewers and to all of you that आने वाले कुछ 6-8 महीनों में मेरी अब 4-5 फिल्में रेडी हैं रिलीज़ के लिए. और अब जाके ये तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई लोग कास्ट कर रहे हैं, लोग जानते हैं, लोग पसंद कर रहे हैं. और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जो कि हमेशा एक चीज़ मेरी पैशन रही है और वो ये है कि मैं किसी भी फिल्म में अपने आप को रिपीट नहीं करूँ. मैं बेशक उन कलाकारों का फ़ैन हूँ जो लेजेंड्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, पर कई बार उनका काम देखता हूँ तो मुझे हैरत सी होती है कि अपने करियर के एक बहुत लंबे हिस्से के लिए उन लोगों ने काफ़ी रोल्स, कैरेक्टर्स, स्टाइल, लुक्स रिपीट किए और वो उनकी एक इमेज बन गई. मैं एक इमेज बनाने से कतराता हूँ. मैं अपने आप को एज एन एक्टर देखता हूँ कि चाहे मैं पॉजिटिव, नेगेटिव, गैंगस्टर हो, रेपिस्ट हो, होमोसेक्सुअल हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, किसी का अच्छा बेटा हो, कुछ भी हो, आई एम इंटरेस्टेड इन कैरेक्टर्स. नीरजा मेरी एक फिल्म आई थी जो काफ़ी कमर्शियल रही, उस वजह से मुझे और फिल्में मिली. लेकिन हाँ, मेरा बड़ा ही एक ये अफसोस अब तक रहा है कि मैं एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेरियो में क्यों नहीं उतर पाया हूँ. और आई थिंक कि आने वाली फिल्मों से शायद लोग जान जाएंगे और काम को देख लेंगे तो शायद वो मकाम भी हासिल कर लेंगे. ओके प्रशांत, क्या मानते हैं अब बहुत ज़्यादा एवेन्यूज हो गए हैं डिजिटल में, माध्यम की बात करूँ, नेटफ्लिक्स पर फिल्में आ रही हैं, वेब सीरीज हो रही है, अब ज़्यादा मौके हैं, ज़्यादा ऑप्शन है, वे यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ, वे यू कैन गेट कास्ट, यू नो, गेट कास्टेड. मौके ज़्यादा हैं आज, नो डाउट. बट इन सारे मौक़ों से बड़ा मौका जो मैंने रियलाइज़ किया है लाइफ में, वो मौका है जो आप खुद को देते हैं. मैंने पिछले 6-8 महीने में कुछ चीज़ें रियलाइज़ की हैं और कुछ कदम ऐसे उठाए हैं कि मैं अब लोगों का इंतज़ार नहीं करूँगा. बेशक सामने से फिल्म आती है, मैं करना चाहूँगा, वहाँ से एक वेब सीरीज़ आता है, मैं करना चाहूँगा. लेकिन आजकल का डिजिटल मीडियम अलाउ करता है कि आप कैसे कैसे छोटे छोटे तरीक़ों से अपना टैलेंट, अपना क्राफ्ट वहाँ बाहर रख सकें मार्केट में. मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की है, तो एज ए प्रोड्यूसर मैंने एक कदम उठाया कि ऐसी कौन सी कहानी है जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं. कम पैसों में शॉर्ट फिल्में बन जाती हैं, करोड़ों लोगों तक पहुँच जाती है. मैंने
पहले भी कहा कि मैं एलए में कुछ काम कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ मैं पार्टनर हूँ, तो मैं अब ये भी सोचता हूँ कि जैसे जैसे काम मिल रहा है पर साथ में अपना भी काम क्रिएट करते चलो, बड़ा वक्त निकल जाएगा और आप बैठे रहेंगे। प्रशांत, गोइंग बैक टू द रूट्स ऑफ द सॉन्ग रुक जाना नहीं एंड किशोर कुमार, आपने कुछ जिक्र किया था, आई मीन यू कनेक्टेड द सॉन्ग विद संजू इन अ वे, व्हाट वाज दैट स्टोरी ऑल अबाउट? इट्स अ फनी कोइंसिडेंस, मैं न्यूयॉर्क में था और इत्तेफाक से इस गाने को शूट करने के कुछ 4-5 दिन बाद में संजू रिलीज हुई जो अभी कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है। तो मेरा गाना तो बहुत पहले रिकॉर्ड हो चुका था और संजू के रिलीज के 5-6 दिन पहले शूट भी हो चुका था। I'm sorry to cut you. Just make it informative. रुक जाना नहीं। मतलब हाँ, you know, हाँ, exactly. हाँ, make it little informative ना। क्योंकि शुरू से लेकर तब हमने गाने का बोला ही नहीं। हाँ। तो शूटिंग के कुछ 4-5 दिन बाद में ये वीडियो रिलीज हुई, ये फिल्म रिलीज हुई संजू, उसमें एक सीन आता है जहाँ पे परेश जी रणबीर से बात कर रहे होते हैं नरगिस जी के चले जाने के बाद में, कि वो एक कोई गाना था कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि जब कभी संजू बहुत ही निराश हो, ज़िंदगी से थका हुआ हो, हारा हुआ हो, तो ये गाना ज़रूर सुनाना उसको। तो रणबीर कपूर जो संजू का रोल अदा करते हैं इसमें, वो पूछते अपने पिताजी से कि वो कौन सा गाना था, तो बताते हैं कि वो गाना था रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, और यही वो गाना है जो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ बहुत जल्दी और जो मैं पेश कर रहा हूँ, क्योंकि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के एक बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग है, और यही गाना मेरे अचानक जहन में आया कुछ महीने पहले, तो मैंने सोचा कि किशोर दा का इससे बढ़िया गाना नहीं हो सकता लोगों तक पहुंचाने के लिए। गाने के साथ साथ आप लोगों तक एक मैसेज भी पहुंचा रहे हैं, और जिस तरह से हमने इसको रिकॉर्ड किया और बनाया, इसमें एक बहुत ही फील गुड फैक्टर है, बहुत ही इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल फैक्टर लोगों तक पहुँचेगा। तो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के आप लोगों को पेश होगा बहुत जल्द। क्या डेडिकेट करना चाहेंगे, यकीनन डेडिकेट करना चाहेंगे, किशोर जी का बर्थडे आ रहा है, मैं यू नो इट्स अ वेरी गुड कोइंसिडेंट, क्या ये गाना उनको समर्पित है? ये गाना उनको समर्पित है, ये गाना उन हजारों करोड़ लोगों को समर्पित है कि जो इस गाने के लिरिक्स और इस गाने के जज्बे से रिलेट करते हैं। कहीं ना कहीं हर इंसान परेशान है, स्ट्रगल कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, गिव अप करना चाह रहा है, और बड़ा ही पॉइंटेंट सिचुएशन है कि किशोर दा का बर्थडे भी है, गाना भी एक ऐसा जो मेरी ज़िंदगी से और करोड़ लोगों की ज़िंदगी से रेजोनेट करता है, और किशोर दा जब खुद ही सपने में आ गए तो आई थिंक कि कुछ बड़ा ही रहस्य है इसके पीछे कि ये गाना मैं क्यों पेश कर रहा हूँ। प्रशांत, किशोर कुमार का जिक्र तो हुआ है, मोहम्मद रफी का भी जिक्र हुआ, बट व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर दिस, एनीथिंग इन पाइपलाइन दैट वी कैन एक्सपेक्ट एज़ फार एज़ सॉन्ग्स आर कंसर्न्ड? या for the songs, also for the movies. Movies is a lot in the pipeline. I have 2 short films releasing in the next 3-4 months. I will share and reveal them very soon. One is a film called A Bit of a Loner, and it's been made by a very lovely and wonderful producer, Preeti Rathi Gupta, who unki ek film aa rahi hai Karma, aur Karma badi khoobsurat film hai, maine dekh li hai, aur ek film hai jo maine khud banayi hai jiska naam hai Tu. Uske alawa kuch feature filmein hai meri. यहाँ पे गानों का सवाल है तो अब देखते हैं अगली बार सपने में कौन आता है। फाइनली जाता है जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको, इन शॉर्ट, इन अ लाइन और टू, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? आई जस्ट लाइक टू से दैट आप ये गाना प्लीज सुनिएगा, और इस गाने के सकते हैं समथिंग, और ये गाना आपको YouTube पे नजर आएगा। वापस से शुरू करते हैं। मैं लोगों तक यही कहना चाहूंगा कि फिलहाल तो मेरे जहन में किशोर दा चल रहे हैं और किशोर दा का मैसेज चल रहा है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप ये गाना देख सकते हैं रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, और आई होप कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, और अगर आप ज़िंदगी में खुद परेशान हैं, थके हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं या कभी थे, तो ये गाना आपको एक वो फील गुड फैक्टर दे कि नहीं, वन शुड नॉट गिव अप इन लाइफ एंड कीप मूविंग। थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू।